तो हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, आप लोग मेरे साथ ना इंसाफ ही कर रहे, वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस। एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है आपको मालूम है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितने अच्छे से मैं फुल एच डी स्मूथ फोटो एडिटिंग किया हूँ, और गाइस हेयर को भी कैसे एडिटिंग किया हूँ फुल डिटेल वीडियो में बताऊँगा। तो क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको स्किप मत करना है, आप हेयर को थोड़ा गौर से देखेगा ना गाइस कितना अच्छे से मैं हेयर को बनाया। ऐसा हेयर आपको कोई यूट्यूब में बनाना नहीं सिखाया है अभी तक, तो मैं सिखाऊंगा। तो क्या करना है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना, आप देख सकते मेरा हेयर कितना अच्छे से एडिटिंग होकर आ चुका है, और गाइस देख सकते हैं मेरा फुल एच डी स्मूथ और वाइट भी हो चुका है। तो चलो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो गाइस देख ही सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल पिक है, कितना खराब है, कितना घटिया है, यही मैं फोटो को फुल एच डी में स्मूथ करने वाला हूँ। और गाइस मैं हेयर के बारे में आपको बोल देता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा हेयर कितना खराब है, यही हेयर के मैं कुछ इस टाइप की एडिटिंग करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हेयर को कैसे एडिटिंग किया हूँ, और फेस को भी स्मूथ किया हूँ, लिप्स को भी रेड किया हूँ, ऐसा एडिटिंग में सिखाऊंगा। बैकग्राउंड को भी कैसे मैं एडिटिंग किया हूँ फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को करता स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और प्लीज़ एक वीडियो कैसा है, कैसा लगा एक कमेंट करके जाना। तो क्या करना है, पहले नॉर्मल फ़ोटो को ले लेना है, नॉर्मल फ़ोटो को आपको शेयर कर लेना है लाइट रूम में, आप देख सकते लाइट रूम एप्लीकेशन में कर देना है शेयर। और इस लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक पीसेट मिलेगा, वो पीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वो पीसेट को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना। आप देख सकते ये मेरा पीसेट है, आप इधर देख सकते ये मेरा पीसेट है, इधर से मैं करूँगा इसको कॉपी, कॉपी करके बैक करूँगा, इधर जाऊँगा नॉर्मल फोटो में आने के बाद इसको कर देना है इधर से पेस्ट, कर देना है पेस्ट। देख ही सकते एक क्लिक में मेरा कैसा एडिटिंग होगा आ चुका है। इधर से आपको क्या करना है, फोटो को कर लेना है सेव। चलो मैं फोटो को कर लेता हूँ इधर से सेव। सेव करने के क्या करना है, आपको हेयर को एडिटिंग कैसे करना है फुल डिटेल में बताऊँगा, यहाँ तक वीडियो में बने रहे, वीडियो स्किप मत कीजिए, कुछ मेरे तरह भी आप हेयर को एडिटिंग कर सकते और फेस को भी स्मूथ कर सकते। चलो मैं चलता हूँ, आप देख सकते हैं मैं केच बुक में आ चुका हूँ, अब इधर से मैं करूँगा हेयर को एडिटिंग और स्मूथ। तो गाइस क्या करना है, मैं आज स्मूथ थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, फुल स्मूथ नहीं करूँगा, तो हेयर को एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। तो क्या करना है, जैसे जाना है, जाने के बाद इधर से आपको टूल ले लेना है, आपको नीचे आना है, आप देख सकते हैं ये वाला आपको टूल ले लेना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग पर आप कुछ इस टाइप के रख लेना वो, उसके बाद आप आराम से यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फोटो अच्छे से स्मूथ हो रहा है, आप हल्के हाथों से आराम से स्मूथ कर लेना, आप जितना टाइम लगाओगे ना फोटो में उतना अच्छा फोटो आप स्मूथ होकर आएगा। तो मैं अब इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, क्यों गाइस इस वीडियो में पूरा टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, हेयर को कैसे बनाना है हेयर में दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, कौन सा वाला ब्रश लगेगा आपको हेयर बनाने में, तो ब्रश में जाना है, ब्रश में जाने के बाद आपको नीचे आना है, आप देख सकते ये वाला ब्रश आप ले लेना, लेने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आप कुछ इस टाइप की रख लेना, सेटिंग सेटिंग इस टाइप का रख लेना है। उसके बाद आप क्या करना है, ऐसे फोटो को जूम करना है, और ऐसे हेयर को आप देख सकते हैं ऐसे हेयर को आप लोग बना लेना है। तो आप लोग जितना टाइम लगा के करोगे ना गाइस उतना अच्छा होगा, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ डेमो के लिए, आप कुछ इस टाइप की हेयर को ऐसे फुल एडिटिंग में कर लेना। तो मैं आपको सिंपल तरीके से मैं बना के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं।
कुछ इस टाइप की एडिटिंग आप कर लेना, आप लोग जितना आराम आराम से करोगे ना गाइस उतना अच्छा एडिटिंग होगा। हेयर को आप अच्छे से ऐसे बना लेना और पूरा में ऐसे 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 करके पूरा कर लेना। तो चलो मैं हेयर को ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, वो वाला फ़ोटो को मैं आपको जो पीछे साइड मेरा फ़ोटो का बैकग्राउंड का बलर है ना, ये मैं करके दिखाता हूँ। चलो चलो इधर से मैं कर लेता हूँ बैक। तो गाइस देख सकते हैं मैं फ़ोटो को ब्लर करके रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लर कर लिया हूँ। तो आपको क्या करना है ब्लर करने के लिए, आपको फ़ोटो रिमूव करके एक एप्लीकेशन मिलेगा, वो आप इजीली डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। उसके बाद आप ऐसा ब्लर कर सकते हैं। मैं वीडियो की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं मैं कैसे किया हूँ और दूसरा को वीडियो में दिखाया हूँ। तो अभी क्या करना है, फ़ोटो को पिक्चर एप्लीकेशन में शेयर कर देना। उधर मैं कुछ PNG यूज़ करूँगा, वो PNG भी आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अभी तक आप इंस्टाग्राम ID को मेरा फॉलो नहीं किया, वो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, एड फोटो में जाना है। एड फोटो में जाने के बाद आपको जो PNG मैं दूंगा वो PNG को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एड फोटो में आना है। एड फोटो में आने के बाद मैं वो PNG ले लेता हूँ और इधर से ये PNG एक और दो तीन PNG है, वो भी मैं इधर से एड फोटो में क्लिक करके ले लूँगा। तो आप भी ले लेना है, ईजिली डाउनलोड कर लेना है। कर लेने के बाद आपको डाउनलोड फाइल डालना है, आपको PNG मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रन करना है। रन करने के बाद ये दो PNG कैसे करना है, इसको ब्लर मंगा जाना है, इफेक्ट में जाना है, इसको ब्लैक कलर चूज कर लेना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। इससे पहले ये PNG इधर ऐसे आराम से सेट कर देना है। लाइट को ले लेना है, ये वाला लाइट को लेने के बाद इसको सॉफ्ट लाइट कर देना है। इधर से ऐसे बड़ा कर देते हैं आप लगा देना है। ये लाइट को आपको क्या करना है, थोड़ा इसे बड़ा करना है, इस टाइप की यहाँ लगा देना है। एक और एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है, वो लेयर को ऐसे खींचना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद वो डुप्लीकेट लेयर को ऐसे करना है, इस टाइप के आपको हेयर के साइड में ऐसे लगा देना है। आप देख सकते हैं डन पे क्लिक कर देना है। उस टाइप की मैं फोटो एडिटिंग कर चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो आपको अच्छे से हेयर बनाना चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से हेयर बनाना आपको सिखा दूंगा और दूसरे वीडियो में सिर्फ हेयर बनाने के लिए आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।